छेवीं पातशाही साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के प्रकाश पुरब मौके संगत सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे हुई नतमस्तक अमृतसर मीरी पीरी के मालक साहब श्री हरगोबिंद साहब जी के प्रकाश पुरब मौके अज संगत वालों सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे पहुँच के इस दिहाड़े नूं बड़ी श्रद्धा और उत्साह नाल मनाया जा रहा है। श्री अकाल तख्त साहब से श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए और श्रोमणी कमेटी वालों देशों विदेशों में बैठिया नानक नाम लेवा संगतों को इस पावन दिहाड़े की लख लख बधाई दी गई। उत्थे ही जथेदार अकाल तख्त साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों अकाल तख्त से आई हुई संगतों को संबोधन किया गया। श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी की जीवनी से चानना पाया गया, कहा सानू अज गुरु साहब जी के दरसाए मार्ग से चलन की लोड़ है। इस मौके से सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे नतमस्तक होन पहुंची संगतां अते हैड ग्रंथी ज्ञानी गुरमिंदर सिंह श्री दरबार अते ज्ञानी मलकीत सिंह एडिशनल ग्रंथी श्री अकाल तख्त साहब ने दसिया कि अज छेवीं पातशाही साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के प्रकाश पुरब मौके संगतां वड्डी गिणती विच सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे नतमस्तक होने लिए पहुंचिया हैं। श्री अकाल तख्त साहब से श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए हैं। संगतां वड्डी गिनती विच सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे हाजरियां भरन पहुंचियां अते गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त कर रहीआं हन। परम सन्मान ते सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, अज मीरी पीरी दे मालक धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज साहिब जी का प्रकाश गुरपुरब समुचियां संगतां दुनिया भर के कोने कोने विच जिथे भी वसदियां हन बड़ी श्रद्धा भावना अदब सत्कार दे संयुक्त मना रही हैं। अज श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरु जैसिया संगतां दे सहयोग दे सदका श्री अकाल तख्त साहिब जी विखे हर साल की तरह बड़ी श्रद्धा भावना नाल गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब मनाया गया है। श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग पाए गए, गुरबाणी जी का कीर्तन होया, उपरंत सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब उन्होंने संगतां दे रूबरू हो करके गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे महान जीवन दे संबंध विच चानना पाया, संगतां नूं दर्शाया कि किस तरह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने चार जिहड़ियां जंगां धर्म दे वास्ते कीतियां ते सतगुरु पातशाह ने श्री अकाल तख्त साहिब सानूं बख्शिश कीता। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का प्रकाश 1652 बिक्रमी हाड़ बदी एकम वाले दिन माता गंगा जी की पावन कुख तो धन पिता गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी के ग्रह विखे होया। सतगुरु पातशाह का जो प्रकाश होया ये ब्रह्म ज्ञानी धन बाबा बुढ़ा साहिब जी के बचना के सदका बाबा जी की कीती हुई अरदास बेनती दे सदका ऐसे सूर वीर गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी प्रगट होए के बड़ योधा बहु परोपकारी सतगुरु पातशाह का कोई सानी नहीं है। इसे धन गुरु हरगोबिंद साहिब प्रकाश गुरपुरब दियाँ समुची कायनात को बहुत बहुत बधाइयां होण जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुर सचे दिया भेज चिर जीवन उपजिया संजोग उधरै माहे आए किया निवास माता कै मन बहुत विगास जम्मिया पूत भगत गोविंद का प्रगटिया सब मैं लिखिया तुरका। अज दे शुभ दिहाड़े ते शहीदां दे सरताज पंचम पातशाह साहिब सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे ग्रह विखे नगर गुरु के बडाली माता गंगा जी की पावन कुख तो मीरी पीरी दे मालक साहिब सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज का आगमन होया। सतगुरु साहब जी दे प्रकाश पुरब दियाँ समूह गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं बहुत बहुत मुबारक। जिते सचखंड श्री हरिमंदर साहिब श्री अकाल तख्त साहब जी विखे गुरमत समागम हो रहे हैं, उत्थे नाल नाल शाम नूं सुंदर दीपमाला होवेगी। अज दे शुभ दिहाड़े ते गुरद्वारा गुरु की बडाली प्रकाश अस्थान विखे जो जोड़ मेले के संबंध में प्रकाश पुरब के संबंध में सुंदर समागम चल रहे हैं, सो आप संगत परिवार समेत हाजरियां भर के अपने जीवन दियां घड़ियां सफला करो। एक बार फिर समूह संगतों को बहुत बहुत बधाइयां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।